नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर से एक नया ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोग किसान हैं, किसान का बेटा हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपना बारी में, अपना खेत में क्या क्या लगाए हैं, आज आप सभी लोगों के साथ दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आज के ब्लॉग में बस यही रहेगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोग घर से निकलने वाले हैं दोस्तों। चलिए जी, तो दोस्तों हम लोग घर से निकलने वाले हैं, हम लोग बारी पहुंच लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली हम दोनों बारी पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर आलू लगाए हैं। तो पीछे सबसे लास्ट में आलू लगाए हैं, वो जो दिख रहा है बड़ा बड़ा, वो थोड़ा पहले लगाए थे। इसमें और इसमें दोनों में दोस्तों हम लोग आलू लगाए हैं और आलू में मटर भी डाल दिए हैं खाने के लिए दोस्तों। आइए दिखाते हैं आप लोग को मटर। देखिए ये है मटर है दोस्तों, ये वाला मटर है जो हम लोग अपने घर में खाने के लिए लगाए हैं दोस्तों। आगे भी और दिखाते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम लोग का उधर चाचा चाची सब आलू में माटी दे रहा है दोस्तों, वो भी दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों ये वाला भी हम लोग लगाए हैं, लौकी है और अभी छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा लौकी है, इसको कोड़ेंगे अभी कुछ दिन में। अभी पटाएं, हाल उल उड़ेगा उसके बाद कोड़ेंगे। और देखिए इधर भाभी है, इधर हम लोग का भाभी है जो लगा रही है, क्या लगा रहे हैं भाभी? मटर लगा रही है। हम लोग का गांव देहात का किसान लोग का यही काम है दोस्तों, सुबह उठते हैं और मिट्टी के साथ में दिन रात लड़ते रहते हैं, तब जाके पेट भरता है दोस्तों। और आगे दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लगाए हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो भाभी है पुराना गाना सुनाने वाली है, बहुत अच्छा गाना है। भाभी थोड़ा गा के सुनाइए। ऐसा के भूख दुख बुढ़वा खाले तीन सुख, भतारा के भेजल यो शाम, ऐसो के जान माग मास जानिए मोलान, ऐसो के जान माग मास जानिए मोलान, ऐसो के जान। तो दोस्तों ये हम लोग का जो है पुराने परंपरा, जो हम लोग का गांव देहात का जो समाज होता है, गांव देहात में जो हम लोग का गाना होता है, वो बहुत अच्छा तरीके से गा के सुनाए। और एक गाना सुनाने वाली है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हाँ भाभी सुनाइए। गाजरा बुना ली रे मावानिए, गाजरा रूनी चुनी भेल, जिस दिन नानंद के रे गावनवा, उस दिन पीवे परदेस, एक दिन आइया हो बलमवा, सजिया गोले गोले भे, एक दिन आइया हो बलमवा, सजिया गोले गोले भे, नकलस जोड़ा बरे नागिनवा, रंग से बदलत रहिया हो, नकलस जोड़ा बरे नागिनवा, रंग से बदलत रहिया। ये गाना का जो अर्थ होता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। जब उसका घर का जेंट्स लोग बाहर चला जाता है काम करने के लिए, तो उसके याद में ये गाना गाया जाता है दोस्तों। अपना कैसे दिन गुजारता है, कैसे रात गुजारता है, उसके विषय में ये गाना था दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का मेथी बारी है और ये हम लगाए हुए हैं जो अभी छोटा छोटा है, दो तीन पत्ता हुआ है मेथी। आगे देखिए हम लोग का चाचा चाची लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बारी में सुबह से लगे हुए हैं, बिना खाए पिए पूरा सबका पेट जो है ना पूरा अंदर चला गया है। चलिए उन लोग का थोड़ा हाल चाल हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों देखिए हम लोग का चाचा चाची वाला हम लोग का बारी है मेथी वाला, और ये वाला चाचा चाची का है। देखिए यहाँ पे झोरा किस तरह से उठा रहे हैं, देखिए आप लोग कितना हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाकर के दोस्तों पूरा देश का पेट भरता है। देखिए कृषि अगर नहीं करेगा किसान अपना काम,
तो दोस्तों क्या हाल होगा देश का, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं चाचा जी। तो देखिए चाचा जी आप खाना खाए कि नहीं? नहीं खाए? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं खाए। अच्छा, कब से मेहनत कर रहे हैं? सुबह से। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर के पूरा देश का पेट भरते हैं हम लोग, किसान करते हैं तब, क्या है कि नहीं? तो चलिए, बहुत चाचा का भी कहना है कि हम लोग मेहनत करते हैं तब जाकर के दोस्तों पूरा किसान जो है मेहनत करता है तब जाकर के पूरा देश का पेट भरता है। और भी देखिए, यहाँ पर चाची है उधर, यहाँ चाचा है उधर, भाभी है, और देखिए इधर भी और भी हैं जो काम कर रहे हैं। ये आलू है और आलू के साथ साथ में ये मटर भी लगा हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे और दिखाते हैं कि क्या क्या उधर लगाए हैं दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो है बारी में टाड़ में पूरा आलू लगा हुआ है, और इधर ये देखिए रेणुका मूली खा रही है। ये वाला भी हम ही लोग का है, मेरा मतलब भाई का है ये वाला। और देख सकते हैं इधर और भी बहुत सारा लोग काम भी कर रहा है, आलू लग के सीजन में आलू लगाया हुआ है। गांव देहात का बहुत अच्छा नज़ारा लगता है दिखने में, बहुत हरा भरा है। और हमारे भैया जो हैं आलू एक में दवा दे करके आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, आप लोग को जूम करके दिखाते हैं। देखिए, हाँ देखिए, हम जल्दी से जा रहे हैं, दवा डालने गए थे भैया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग किसान के काम करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए दवा निकलता होगा। ये मेरा भाई है, छोटा सा भाई, देखिए पानी पटा रहा है। और देखिए हम लोग गाढ़ा में 1 किलोमीटर दूर में मशीन लगाते हैं और ज़मीन के अंदर ही अंदर पाइप से पानी निकालते हैं। देहाती जोगाड़ लगाए हैं, देखिए हम उस पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाए थे ये वाला जो चिकू को नहला रहे थे, वही वाला यहाँ पर आके देख निकल रहा है दोस्तों पानी। देखिए अब इधर सुझा दिया है, इधर जाने लगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा पिताजी है और सुबह से इस घास को निकाल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर लौकी लगा हुआ है, देखिए लौकी है, मूली है, और यहाँ प्याज भी है दोस्तों, और बहुत बड़ा बड़ा मोथा घास हो गया है। तो ये मोथा घास को सुबह से निकाल रहे हैं दोस्तों। किसान होकर के बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। हम लोग देखिए, थोड़ा सा हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए कि ताकि हम लोग का भी स्थिति अच्छा हो। बहुत मेहनत करना पड़ता है, देखिए किसानगिरी करना आसान नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसान का काम कितना हार्ड होता है, कितना मेहनत होता है दोस्तों। पूरा खून पसीना एक करना पड़ता है। 3 महीना अभी फसल लगाएंगे तो अभी दोस्तों 3 महीना के बाद हम लोग को कुछ पैसा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में अगर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग को किसान को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक से।